नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और जानते हैं कि 3-4 सालों से सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, दिखाते हैं आपको सीधी बातचीत। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकला जी। चंद्रकला जी, डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? मैं सन 87 से जुड़ी हुई। कितना विश्वास करते हो? बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके ऊपर? बदलाव ये है जी, जब से मैंने नाम लिया मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव हुआ मेरे को। हाँ, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। मैं इधर ही आखिरी टाइम तक मेरी ओर निभाना चाहती हूँ। क्यों मैम इतना आस्था, इतनी विश्वास क्यों? मतलब आपको ऐसा क्या अच्छा लगा जो आज भी आप उनके साथ हो? नंबर एक जी, पहला तो ये है कि नौजवान पीढ़ी को नशों से बहुत दूर लेके जाते हैं, अच्छे रास्ते पे लेके जाते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो ये हमारे को बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी जाते हैं कोई नहीं इतना करता भी नशे ना छोड़ो, नशे ना करो। नशे छोड़ते हैं, बहुत छोड़ छोड़ के उनके घर सुधर गए, स्वर्ग बन गए घर। इनके घर नरक थे, कई ऐसे थे जो 70-70 इंजेक्शन एक दफ़ा पे लगाते थे, वो बिल्कुल यहाँ आके नाम लेके सुधर के अपना घर संभाली बैठे। लड़कियों को आगे लेके जाने के लिए गुरुजी ने कोई रोल अदा किया है, कोई काम किया है? हाँ जी, लड़कियों को जैसे दिल्ली में खुला होया था, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मेरा नाम अच्छा थोड़ा पता नहीं है, जैसे भी कोठे खुले हुए हैं, उन लड़कियों को ले आके डॉक्टर इलाज करा के घर बसाए हैं उनको, उस गंदगी से बाहर निकाला है, उनका जीवन अच्छा जीने का अधिकार दिया उनको। इससे ऊपर क्या करेंगे? आज तक किसी सरकार ने वो उनको लाइसेंस दे के शरेआम गंदगी फैला रखी है, तो किसी ने नहीं करा आज तक। कोई भी मिनिस्टर आया, कोई भी गुरु आया, कोई संत आया, किसी ने नहीं करा हमारे गुरु के सिवा। तो उसके बाद उन्होंने जैसे ठेके देते शराब का, ऐसे हर एक शहर में उनका ठेके देने की अनुमति दे रहे थे, वो भी रोकी हमारे गुरुजी ने। तो सब राजनीति का चक्कर है, जो भी है हमारे गुरुजी पे राजनीति का चक्कर है और कुछ नहीं। हमारे गुरुजी जो इतने रोक लगाए जा रहे हैं सब ये राजनीति का चक्कर है सब इनकी। हमारी पब्लिक सिटी बहुत है, इधर बहुत पब्लिक जुड़ी हुई है, इसलिए सब राजनीति का चक्कर है। आज कितनी पब्लिक है गुरुजी के साथ? बहुत ज़्यादा। अगर गुरुजी आज आए ना, आपको पता लग जाएगा जब आप आओगे, लेकिन आपको पता भी होगा कितनी है, ये तो आप भी देख रहे हो। तो फिर मैम, जो 3-4 साल पहले जो हेडलाइंस टीवी में दिखाया जा रहा था, मीडिया में आए दिन ऐसी खबरें दिखाई जा रही थी, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? हम तो ये कहेंगे गलत है। सच्चाई क्या है? सच्चाई गलत है, राजनीति है। राजनीति में ये चाहते हैं भाई, उनकी तरफ पब्लिक बहुत ज़्यादा बद रही है, हर एक कोई को। जैसे मंदिरों गुरुद्वारा में चढ़ावा कम हो गया था, चेले चमटे है जो आजकल वो ज़्यादा चल रहे ड्रामाबाजी, उससे भी दूर लेके जा रहे थे। पब्लिक बहुत ज़्यादा इधर जुड़ गई थी, इस करके सबको चिड़ मचती थी भाई इधर क्यों पब्लिक ज़्यादा लग गई। क्या कहना चाहोगे, गुफा की सच्चाई क्या है? आप कभी गए हो गुफा में? गुफा में बहुत जाते रहे, हर 15 दिन बाद हम सेवा पे आते थे, हफ्ते की हर 15 दिन बाद हम अंदर जाते थे। गुरुजी शब्द वगैरह हमारे भजन बंदगी होती थी। कैसा माहौल रहता है वहाँ? बहुत अच्छा रहता था, सारी पब्लिक होती थी, कोई एक दो जने हम थोड़ी जाते, लाखों की तादाद में पब्लिक होती थी, लाखों की तादाद में पब्लिक होती थी उसके अंदर। फिर इस तरीके से क्यों बदनाम किया जा रहा है? हमारे क्यों बदनाम करे? ये तो राजनीति का चक्कर है, सब वोटों वालों को, राजनीति को ये है। बाई चांस सच्चे सौदे वाला कोई मिनिस्टर ना बन जाए, जा ये प्रधानमंत्री खुद ना आ जाए, इनके दिमाग में ये गलतफहमी घुसी हुई है। क्या जरूरत है गुरुजी की समाज को? जरूरत है हमारे को तो बहुत ज़्यादा। क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है? हमारे पब्लिक के अंदर जो नशा मुक्ति करवाते हैं, नशा छुटवाते हैं, प्रसाद दे के वो हफ्ते की सेवा करवा के नशा छुटवा देते हैं, तो जो डॉक्टर दवाइयाँ दे दे के भी नशा नहीं छोड़ते, वो प्रसाद लेने से नशा छोड़ के अपना घर परिवार बसाते हैं, इससे ऊपर क्या होगा? संत जी अब समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा? बहुत अच्छा होगा। क्या मांग करोगे आप सरकार से? हम तो यही मांग करेंगे, हमारा गुरु जी हमारे अंदर आने चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। आप तमाम लोगों को क्या बताना चाहोगे जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को देखा है, गुरुजी को जाना है, अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यही संदेश देंगे, हमारे गुरुजी हमारे पास आए, हमारे साथ आके हमारे को भजन बंदगी बताएं,
हमारे अंदर रहे, हमारे को दर्शन दें, हमारी यही अनुमति है, बार बार यही बात कहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद।